प्रेम उच्च माध्यमिक विद्यालय साथियों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पद्माकर कवि पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने बसंत ऋतु यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और अभी भी हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है कितना अच्छा है। वर्षा ऋतु है लेकिन यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि पद्माकर जो है इनका जन्म सन 1753 में हुआ और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। पद्माकर रीति काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो है जो रचनाएं लिखी है उनमें अधिकतर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर आपके जो इनके पद है उसमें भी जो छंद है जो कविता है इनकी उसमें भी यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन कवि ने किया है। इनको जयपुर के राजा जो थे जयपुर के नरेश उन्होंने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की यानी कविराज शिरोमणि की उपाधि इनको जयपुर के जो राजा थे उन्होंने प्रदान की थी उपाधि दी थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हिम्मत बहादुर गिरदावरी पद्मावरण जगत विनोद राम रसायन गंगा दहरी आदि ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और यानी कि जो कवि है पद्माकर इनका इनके परिवार का वातावरण ही कवित्वमय था यानी सभी कविताएं करते थे परिवार के अधिकांश सदस्य कविताएं लिखते थे करते थे उनके परिवार का वातावरण ही कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके अन्य लोग भी कवि थे यानी इनके पिताजी भी कवि थे और परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे अतः उनके वंश का नाम ही कविश्वर पड़ गया था। इनके वंश यानी परिवार में क्या नाम पड़ गया था कविश्वर यानी इनके परिवार में अधिकांश लोग कवि थे कविताएं करते थे। वे अनेक राज दरबारों में रहे यानी पहले के रीति काल के जो कवि है उनके आश्रय में या उनके दरबार में अनेक कवि रहे। जो रीति काल के कवि है वो अनेक राजाओं के आश्रय में रहे और उन्हीं की प्रशंसा में उनके पद लिखा करते थे उनकी प्रशंसा लिखा करते थे पदों में। और यहाँ पर भी इन्होंने जो है जयपुर के राजा की प्रशंसा जब की और उन्हीं की प्रशंसा करते थे जो पद लिए तो जयपुर के राजा ने इन्हें कविराज शिरोमणि उपाधि दी। और यहाँ पर वे अनेक राज दरबारों में रहे उनके दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान मिला दान मिला। पन्ना महाराजा पन्ना कहाँ है एमपी में मध्य प्रदेश में तो जो पन्ना के महाराजा थे इन्हें बहुत से काम दिए पन्ना के महाराजा ने। जयपुर नरेश यानी जयपुर के राजा ने कविराज शिरोमणि उपाधि दी और साथ में जागीर भी दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर गिरदावरी पद्मावरण जगत विनोद रसायन गंगा दहरी आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा यानी कवि ने ऐसी कल्पनाएं की कवि क्या करता है कल्पनाएं करके और कविता लिखता है तो यहाँ पर कवि ने ऐसी मूर्तियां दिखाई देने वाली जिनको कल्पना के माध्यम से साकार किया और जिसे हम देख भी सकते हैं ऐसी कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक मन को छूने वाला वर्णन किया है। यहाँ पर प्रकृति के प्रति जो प्रेम है प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका वर्णन कवि ने किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वे सूक्ष्म सूक्ष्म भाव अनुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं यानी लक्षणों के माध्यम से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए इन्होंने बारीकी से अपने भावों को व्यक्त किया है। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रा
गतिमयता और भावपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार वर्तमान करता वैसा नहीं किसी कवि का दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर जो कवित्व और सवैया छंद कवि ने लिखे हैं इनका अधिक ही प्रभाव था और भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में इन्होंने अलंकारिक शैली का प्रयोग किया, यानी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग किया है। पाठ्य पुस्तक में संकलित इनका जो पहला कवित्व छंद है यह है कवित्व छंद। हमने जब हिंदी व्याकरण पढ़ी तो उसमें छंद पढ़े और छंद में हमने कवित्व और सवैया छंद भी पढ़े थे। उसके क्या लक्षण होते हैं आप दोबारा दोहराइएगा। तो यहाँ पर यानी इसमें 31 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है। तो यहाँ पर यह जो इनका छंद है कवित्व छंद, इसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। अब हम कहें कि प्रकृति क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, झरने हैं और नदियां हैं, तालाब हैं, ये जो सौंदर्य है इस सृष्टि में जो भी हमें जो हमें प्रकृति की देन है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसका वर्णन, जो ऋतुएं हैं इसका वर्णन, ये सब क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य ही है। ये पेड़ पौधे जो हमें नजर आ रहे हैं ये भी क्या है? ये भी प्रकृति है। ये जो वर्षा हो रही है ये भी प्रकृति है। तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। और वसंत ऋतुओं का राजा है, यानी ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? वसंत ऋतु को। वसंत के आगमन पर यानी जब वसंत ऋतु आती है तो जो प्रकृति है, जो गृह यानी जो पक्षी है और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य है, सौंदर्य संबंधी अनेक परिवर्तन आते हैं। कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। और दूसरे कवित्व छंद में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। जो दूसरा कवित्व इन्होंने लिखा है उसमें गोपियां किसी की परवाह नहीं करती, वो चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के जोरों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है, मेघ यानी बादल, बादल को बरसने में कवि नेह, नेह यानी पेड़ को बरसते देखता है। यहाँ पर पद्माकर कवि जो है इनके तीन कवित्व छंद है और इसमें आज हम जो है 11th क्लास में पद्माकर कवि का जो पहला भाग है, फर्स्ट भाग है, उसका पहला जो कवित्व छंद है, पहला वर्ग या कवित्व छंद है तब भी बोल सकते हैं, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस कवित्व छंद में कवि ने यहाँ पर कवित्व छंद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है कि जब वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर किस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य हमें दिखाई देता है, प्रकृति अपना रूप बदलती है। तो जो है पक्षी है, मनुष्य है, यहाँ की जो प्रकृति है वो सब भी अलग अलग प्रकार से दिखाई देने लगते हैं, यानी चारों ओर हरियाली छा जाती है और जो पेड़ पौधे हैं वो फूलों से लग जाते हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से वसंत को, वसंत ऋतु जो है उसको ऋतुओं का राजा कहा गया है। और यहाँ पर वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा होने के कारण कवि ने इसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और इस कवित्व छंद में जो है कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ऋतु ये कितनी होती है? 6 होती है। 6 ऋतुएं होती है जिसमें यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि इसमें कवि ने अलंकारिक शैली में लिखा है, ब्रज भाषा है कवि की। यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा की तो कवि ने ब्रज भाषा में लिखा है और
लगे, अर्थात वो भी उत्साह से युक्त दिखाई देने लगे, जो पक्षियों का समूह होता है। ऐसे ऋतुराज के आज दिन गए, यहाँ पर ऐसा ऋतुराज, ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा अर्थात बसंत, दो दिन के लिए सभी के मन में सभी के दिलों को उत्साहित करके और प्रसन्नता से युक्त करते हुए वातावरण को मनमोहक बना गया है। अर्थात बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु आने पर जो बसंत ऋतु है वो सभी के मन को प्रसन्नता से युक्त कर दिया, सभी के मन को उत्साह से युक्त और मनमोहक बना दिया है। बसंत ऋतु में वातावरण मनमोहक बन गया है और चारों ओर ऐसा मनोहारी वातावरण, मनमोहक वातावरण जिससे सभी के हृदय प्रसन्न चित्त दिखाई देने लगे हैं। जो पक्षी समाज है वो भी अलग ही प्रकार से उत्साह से युक्त और अलग अलग रागों में अपना जो है चर जा रहे हैं, अपना स्वर व्यक्त कर रहे हैं। जो गली मोहल्ले के लड़के हैं उनमें भी उत्साह देखते ही बनता है, वो भी सज सज करके गलियों में घूम रहे हैं। और मोरे जो है यानी प्राकृतिक सौंदर्य, जब फूल खिल रहे हैं चारों ओर हरियाली है, तो मोरे भी जो कुंजन वन है उनकी झाड़ियों पर समूह में भीड़ में एकत्रित होकर उन वनों की झाड़ियों में गुंजार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी चारों ओर का वातावरण और ही प्रकार का हो गया है, मनमोहक हो गया है। और पक्षी समाज है यानी पक्षियों का झुंड है, वो भी कलरव करता हुआ, जो चाहता हुआ, अलग ही प्रकार का संगीत राग